मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जनसेवा मित्र शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। यह भोपाल के जंबूरी मैदान में सैकड़ों की संख्या में जनसेवा मित्रों ने धरना प्रदर्शन किया और हरदा ब्लास्ट के पीड़ितों के लिए रक्तदान कैंप का भी आयोजन किया। प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान 9,300 जनसेवा मित्रों को स्थायी रोजगार देने का वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। एनडीटीवी की टीम ने जंबूरी मैदान जाकर जनसेवा मित्रों से बात की और उनकी समस्या जानने की कोशिश की। राजधानी भोपाल में प्रदेश भर के जन सेवा मित्र यहाँ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ उद्देश्य है इसके पीछे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार पांडे है और हम सभी साथी जो जनसेवा मित्र हैं मध्य प्रदेश भर में शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जो जानकारी प्रदान कर रहे थे, उसी के साथ में आज सभी जनसेवा मित्र यहां भोपाल में एकत्रित हुए हैं राजधानी में। जो हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर हैं एक दिवसीय, वो शासन के समक्ष अपनी स्थायी रोजगार की मांगों के लिए यहाँ पर हम लोग धरना कर रहे हैं। उसी के साथ में यह हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है ब्लड डोनेशन का, जो हमारे मध्य प्रदेश के हरदा जिला में एक फटाका फैक्ट्री में जो भीषण हादसा हुआ है, उसके संबंध में हम जनसेवा मित्र जो पीड़ित परिवार हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, और उसी के साथ में जो हमारे पीड़ित परिवार के सदस्य हैं जो आज भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनके सहयोग के लिए हम लोग यह ब्लड डोनेट कर रहे हैं ताकि उनके लिए आवश्यक मदद मिल सके। बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रदेश के हर जिले से जनसेवा मित्र यहाँ मौजूद हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हरदा में हुए हादसे को लेकर जो मदद है वो इनके द्वारा की जा रही है और एक शांतिपूर्ण तरीके से ये सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की आस लगाए बैठे हैं। कैमरा साथी राजू बाथम के साथ आयुषी जैन, NDTV। सरकार से कौन सी मांगों को लेकर आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार को लेकर हमारी एक सिंपल सी मांग है कि हम लोगों की जब नियुक्ति की गई थी तब पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने हमें कहा था, हमारे मम्मी पापा को भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में लेके कहा था कि तुम्हारे बच्चों की चिंता मत करना, तुम्हारे भांजा भांजियों की चिंता मत करना, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, भविष्य की चिंता मैं करूंगा। तो जब हम जनसेवा मित्र थे एक साल के लिए, आज हमारे कोई भविष्य कई अंधकार में दिख रहा है। हमें ये भी नहीं बताया गया कि हमारा कार्यकाल आगे बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया। पूरे प्रदेश में 9,300 के लगभग जनसेवा मित्र है, वो आज अंधकार में। एक साल तक के हमने सरकार का काम किया, 163 सीट सरकार की आई है, उसमें हमारा भी योगदान है। सरकार की जो स्कीमें थी, लाडली लक्ष्मी हो या लाडली बहना योजना, अगर उस वक्त पटवारी लोग हड़ताल पे थे, उस वक्त पंचायत के कर्मचारी रोजगार सहायक हड़ताल पे थे, उस वक्त जनसेवा मित्र ही थे जो सरकार को आम पब्लिक तक बीच में पहुंचाने का काम करते थे। पुल की तरह हमने काम किया और आज हमें पुल को निकाल के फेंक दिया सरकार ने। हमें नहीं पता कि हमारा कार्यकाल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हमारी एक मांग है कि हमारे कार्यकाल को निश्चित किया जाए और हमें स्थायी रोजगार दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतुराज यादव है। ब्लड डोनेशन का भी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं क्या? इसके पीछे का क्या मकसद है? दुनिया का पहला ऐसा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा होगा आपको कि जिसमें हम अपना हक भी मांग रहे हैं। और जिला हरदा में हादसा प्रभावित, जो फटाका फैक्ट्री में आग लगी है, हादसा प्रभावित लोगों के लिए जब हमने ये सुना सभी जनसेवा मित्रों ने कि ये हादसा हुआ है, तो फील्ड में जाकर तो हम लोगों ने जनसेवा की ही, लेकिन जब हादसा का सुना तो लोगों की आंखें नम हो गई हमारी। तो हमने ये सोचा हम धरने के दौरान रक्तदान शिविर भी रखेंगे। सरकार से आप लोगों की जो मांगे हैं, इनका कहना है कि 9,300 लगभग जो इसमें आ रहे हैं, कितने क्या लोग यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पर अभी करीब 3,000 लोगों की संख्या है हमारी। पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में 9,300 जनसेवा मित्र हैं और हमारी मांग है सरकार से कि हमें स्थायी किया जाए। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले से जनसेवा मित्र आए हुए हैं, जो अपनी मांगों को लेकर सरकार से एक शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि हरदा में कुछ समय पहले ही हादसा हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया है और उसमें ये ब्लड डोनेशन भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? लोकेन सिंह तवर। क्या उद्देश्य, आप लोग क्या कह रहे हैं, आपकी मांगे क्या है? देखिए, हमारी मेन मांग ये है कि हम 9,300 जनसेवा मित्र है, हमारा भविष्य अब इन दिनों असमंजस की स्थिति में है। हम समझ नहीं पा रहे कि अभी हम रोजगार के अंदर है या फिर हम बाहर हो चुके हैं, है ना। अगर असमंजस की स्थिति क्लियर होती है, लेकिन ये वादे तो आपसे शिवराज सरकार जब थी माननीय शिवराज सिंह चौहान ने किए थे, अब लेकिन डॉक्टर सीएम मोहन यादव बन चुके हैं, उनसे आपने इस बारे में बात की और आप सीधे धरना करने आ गए। देखिए, हमने
धरने से पहले हमारी ये कार्रवाई एक महीने से चल रही है। हमने ट्विटर अभियान चलाया, स्पीड पोस्ट अभियान चलाया, इसके पहले हमने पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश के 52 जिले के जनप्रतिनिधि विधायकों को हमने ज्ञापन दिया, उनके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को बोला। मैं स्वयं उज्जैन जिले से हूँ, हमारे गृह क्षेत्र से मुख्यमंत्री, मैं स्वयं उनको ज्ञापन दे के उनको मैंने फाइल दी और उन्होंने पूरा मामला बताया। उसके बाद भी 31 जनवरी पूर्ण होने के बाद भी आज 10 तारीख के 10 दिन बीत जाने के बाद भी हमारे पक्ष में कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई। जब जाके हमको हमारे भविष्य का डर सताने लगा, क्योंकि हम नौजवान पीढ़ी है, हमारा भविष्य का गोल्डन समय चल रहा है, इसके लिए इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार से जवाब मांगने के लिए और स्थायी रोजगार के लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम प्रत्येक परिवार को रोजगार देंगे और एक तरफ 9,300 परिवारों का रोजगार छीनना चाहती है। जिसको रोजगार दे दिया है कम से कम उन्हें तो नहीं हटाइए। और एक तरफ सरकार वृद्धों की उम्र बढ़ा रही है, उनका कार्यकाल कर दिया है, उन्होंने 60 था पहले फिर 62 कर दिया और 62 के बाद 65 करने जा रही है। युवा कहाँ जाएगा जब वृद्ध काम करेगा? और वृद्धों को, कई वृद्धों को बीपी है, शुगर है, वो काम नहीं कर पा रहा है, मजबूरी में काम करना पड़ रहा है उन लोगों को। उनकी भावना नहीं समझ रही है, इधर हमारी भी भावना नहीं समझ रही है। क्या नाम है आपका? जी मैं मिथुन यादव हूँ और मैं रायसेन जिले से हूँ। देखिए हमारा जो प्रदर्शन है वो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। दूसरा, हम सरकार में बैठे उन नुमाइंदों से कहना चाहते हैं कि जनसेवा मित्र हमने जो काम किया है वो वास्तव में धरातल पे दिखा है। चाहे अगर बात की जाए गवर्नमेंट की योजनाओं की, सुशासन की, तो जो सुशासन की कल्पना की जाती थी वो कल्पना को साकार हमने किया है। जहाँ एक समय था कि जनता को जो वंचित परिवार थे वहां तक लाभ नहीं पहुंच पाता था, तब हमने जाकर उन वंचित परिवारों को चिन्हांकन किया है। चिन्हांकन करके सिर्फ उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश नहीं की है मैडम, हमने लाभ जब तक उनके हाथ में नहीं पहुंचा दिया है ना, तब तक हम चैन से नहीं बोल रहे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनसेवा मित्रों का प्रदर्शन हो रहा है। ये अपनी रोजगार को लेकर, मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हरदा मामले को लेकर इन्होंने ब्लड डोनेशन भी किया है। इनका कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से अपनी मांग पूरी करवाना चाह रहे हैं। कैमरा साथी राजू बाथम के साथ आयुषी जैन, NDTV।